गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में आपका चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। तो और आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 यानी जो आपका चैप्टर 7 है उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 7 है टिप टिपुआ। क्या है टिप टिपुआ? ये चैप्टर 7 है। इसमें आप इस मतलब स्टोरी में आपको एक टिपटिपुआ मतलब एक जानवर की वो दी गई है, मतलब उसे एक जानवर माना गया है, जबकि वह असल में बारिश की बूंदें होती हैं। गॉट इट एवरीवन? सो आइए देखते हैं आपकी स्टोरी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना 6th चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट कर लिया होगा और 7th चैप्टर आप रीड करने के लिए तैयार हो जाइए। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 54। ओपन योर बुक पेज नंबर 54। स्टूडेंट्स देखिए, एक थी बुढ़िया। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी है। तो इसमें आपको स्टोरी में बताया जाएगा कि कौन था, क्या था, किस तरह से क्या होता था, और इसकी एक शिक्षा भी निकलेगी, यानी इसे क्या आपको समझ में आता है वो भी आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। गॉट इट एवरीवन? देखिए, एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। यानी दादी कौन होती है? जो पापा की मम्मी होती है, यानी हमारे पापा की जो मम्मी होती है वो हमारी दादी होती हैं। तो एक पोता था, दादी थी, तो वो दोनों साथ में रहते थे। जब भी पोता रात को सोता था तो दादी उसकी कहानियाँ सुनाती थी। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश यानी जोरों की बारिश आई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिपटिपुआ ना जान बचे तब ना। इस टिपटिपुआ से मतलब दादी ने गुस्से में बोला कि ये टिपटिपुआ जो है इससे मेरी जान बचे तब तो हम कहानी सुनाए। यानी जो बारिश का छत से पानी टपक रहा था, अगर उससे बुढ़िया कह रही थी अगर उससे मेरी जान बच जाए तब तो मैं तुमको कहानी सुनाऊँ। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? शेर बाघ क्या है? एनिमल्स हैं। तो बच्चे ने पूछा, यानी पोता ने दादी से पूछा, क्या यह बाघ और शेर से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डर तो ता डर टिपटिपुआ के डर। मतलब दादी माँ ने बोला, हाँ बेटा, जो ये मतलब उस दादी ने ये नहीं बताया कि छत से जो पानी टपक रहा है उसके बारे में नहीं बताया, ये कहा, हाँ बेटा, यह शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। इन दोनों का इतना डर नहीं है जितना कि इस टिपटिपुआ का डर है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, पेज नंबर 55। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। यानी बारिश बहुत तेज थी तो एक बाघ जो है क्या हुआ, पीछे झोपड़ी के पीछे आकर के बैठ गया था। तो वह दादी और पोते की बात सुन रहा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, यानी बारिश इतनी तेज थी कि वह घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? यानी बाघ ने सोचा, यह टिपटिपुआ कौन सा जानवर है जो मुझसे भी बड़ा आ गया? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, ज़रूर यह बहुत बड़ा कोई जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। तभी तो ये बुढ़िया है वो शेर और बाघ से ज़्यादा डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर बाघ ने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं हम बारिश से छिपकर यहाँ पर झोपड़ी के पीछे बैठे हैं और इससे पहले ही हम जैसे ही मतलब बारिश बंद हो तो हम तुरंत से भाग जाएं, क्योंकि बारिश जैसे ही बंद होगी तुरंत टिपटिपुआ झोपड़ी से बाहर निकलेगा और मुझे मार देगा, यानी मुझ पर हमला करेगा, तो इससे पहले मैं जान बचाकर चला जाऊं। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से धुम दबाकर भाग निकला। यानी बाघ ने सोचा ही और जल्दी से वहां से भाग निकला। आगे क्या होता है?
उसी गांव में एक धोबी रहता था, यानी उसी गांव में एक धोबी रहता था। किस गांव में? जहां पर बुढ़िया और पोता रहते थे, यानी दादी और पोता रहते थे। वह भी बारिश से परेशान था, आज सुबह से उसका गधा गायब था। धोबी के पास गधे होते हैं ना, तो धोबी का सुबह से क्या हुआ, गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा। कौन भीगता रहा? धोबी। और जगह जगह पर गधे को ढूंढता रहा, और जगह जगह पर क्या हुआ, गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते? धोबी की पत्नी ने कहा कि ऐसा भी क्या हो गया, जाकर के एक बार गांव के जो पंडित होते हैं उनसे पूछ लो। जो पंडित जी होते हैं वो प्राचीन काल में अधिकतर लोग पंडितों से ही जानकारी प्राप्त करते थे, यानी कोई भी चीज़ होती थी तो पंडितों से परामर्श लेते थे, पूछते थे। तो उसी तरह से धोबी ने भी बोला कि जाकर के पंडित से पूछ लो, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सब हाल की उन्हें खबर रहती है, यानी आने वाला कल और गुजरने वाला कल, बीता हुआ कल, जो भी है उनके सबके बारे में पंडित जी को सारी जानकारी है, तो तुम क्यों ना पंडित जी से जा कर के पूछ लो। स्टूडेंट्स, टर्न द पेज नंबर 56। आगे क्या होता है? पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी पत्नी की बात क्या हुआ, धोबी को समझ में आ गई। उसका मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला, यानी मोटा लठ यानी मोटा सा डंडा होता है ना, उसे उठाकर क्या हुआ, बाद पंडित के घर की ओर चला। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, जैसे पानी उनके घर के अंदर घुस गया था, उसे क्या कर रहे हैं, वो पानी उलीच रहे हैं, जैसे पानी को अंदर से बाहर की ओर फेंक रहे हैं, घर से झोपड़ी से बाहर की ओर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। किसने कहा? धोबी ने। धोबी ने पंडित जी से कहा, महाराज मेरा गधा नहीं मिल रहा है, कृपया कर आप अपनी पोथी में देख कर बताइए कि हमारा गधा कब तक मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। पानी बहुत ज़्यादा था तो पंडित जी भी थक गए थे। धोबी की बात सुनी झुलझुला पड़े, यानी जैसे आप ही कोई कार्य करते हैं और आपको बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है। जैसे कोई भी कार्य आप करते करते थक जाते हैं तो आपसे अगर कोई बोलता है तो आपको गुस्सा आता है ना, तो उसी तरह पंडित जी को भी गुस्सा आया, यानी झुलझुला पड़े, गुस्से में बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। गुस्से में बोले, क्या मेरी पोथी यानी मेरी जो पोथी है उसमें क्या तुम्हारे गधे का ठिकाना लिखा है कि वह कहाँ गया है, कहाँ गया? अरे जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर यानी कहीं पर देखो जाके, कहीं खाई में या कहीं पानी में या कहीं पहाड़ी के पीछे कहीं पर छिपा होगा। और पंडित जी लगे पानी उलीचने, धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। यानी जो तालाब था उसके किनारे पहुंचा, उसके चारों ओर यानी तालाब के जो चारों ओर थी क्या थी, घास थी, क्योंकि पानी का तराई स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत सारी घास उगाती है, तो जो तालाब था उसमें पानी था तो इसलिए उसके चारों ओर ऊंची ऊंची क्या थी, घास थी। धोबी घास में यानी जो घास लगी थी बड़ी बड़ी, उसमें धोबी जो है अपने घास में, उसी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था, यानी बाघ भी उसी घास में छुपा हुआ बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ न देखा ताओ लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा और क्या हुआ, अपने बाघ पर यानी उस बाघ पे क्या किया, डंडे बरसाने लगा, यानी उसके हाथ में जो लठ था मोटा सा उसे वह मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। कोई भी स्टूडेंट्स अगर उसकी कोई भी इंसान होगा अचानक से उसके साथ कोई घटना घटने लगी तो क्या होगा, अचानक से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि जो बाघ था वो भी हुआ, देखने लगा कि मेरे ऊपर ये लठ जो बरस रहे हैं कौन बरसा रहा है, कहीं वो टिपटिपुआ तो नहीं, यह सारी बातें वह सोचने लगा और बहुत ही ज़्यादा घबरा गया।
इतना घबरा गया कि उसके आगे क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही चैप्टर, आगे का वन पेज है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में हम आपको हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग कंप्लीट कराएंगे। स्टूडेंट्स जो इतना चैप्टर में रीड कराया है, अगर इसमें से आपको किसी भी पैसेज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।